डॉक्टर नावल किशोर, आपके बीच में झगड़ा लगाने की मेरी नीयत नहीं है, लेकिन कोई शिकायत कांग्रेस से? जैसा तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और बाकी लोगों ने भी कहा कि वे मिलकर नहीं लड़े चुनाव में। नहीं नहीं, देखिए, जहाँ पे 28 दल हैं और वो भी मजबूत दल हैं, हर एक राज्य में उनकी अपनी पहचान है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है उनका, आज से नहीं है, लगभग 3 दशक से वहाँ पर जमे हुए हैं और भाजपा को समय समय पे धूल चटाते रहे हैं। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, अगर आप जनादेश देखें, 3 हिंदी पट्टी के राज्य और 1 दक्षिण का राज्य, चारों राज्य में 3 राज्य जरूर भाजपा ने जीता है और कांग्रेस ने उसमें हार हासिल की है, लेकिन जो फ़र्क है अगर वोट पे आप देखेंगे, जो तो फ़र्क है वो बस 2, 4 और 8% का है, और ये फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि कांग्रेस अकेले लड़ रही है तब फ़र्क मात्र इतना ही का है, और अगर पूरे चारों इलेक्शन को देखें, जैसा मैंने देखा आंकड़ों को, तो पूरे चारों इलेक्शन में जो वोट कांग्रेस को मिली है भाजपा से लगभग 9 लाख ज़्यादा वोट है, टोटल वोट अगर काउंट करें तो। जहां तक आप तेलंगाना को देखेंगे तो तेलंगाना को भाजपा में 8 सीट, भाजपा को 8 सीट है, वहां पर कांग्रेस को 64 सीट है, 8 गुना ज़्यादा है। वहां पर मत प्रतिशत भी अगर आप देखिएगा तो 20% ज़्यादा है। आप मिजोरम में देखिएगा तो भाजपा को 5% है और कांग्रेस को 20% है। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ये भी बात सही है, ये मानते हैं, ये कांग्रेस बनाम भाजपा था, ये भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जब इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी तो भाजपा को यह डर सता रहा है। क्या इन चुनावों ने, डॉक्टर साहब, क्या इन चुनावों ने ये भी नहीं दिखा दिया कि एक बहुत बड़े हिस्से में देश के इंडिया गठबंधन आप साथ में लड़े तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है? ये लड़ाई इनकी और बीजेपी के बीच की सीधी, इसमें आप क्या जोड़ देंगे और दूसरा दल क्या जोड़ देगा? नहीं, जब ये लड़ाई होगी आप देश स्तर पे, तो आपको पहले भी पता है कि 1-1 सीट पर फैसला होना बाकी है। अभी भी वही था? अभी नहीं, नहीं अभी नहीं था, अभी विधानसभा में कहां 1-1 था, विधानसभा में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी था। यहां पर इंडिया, यहां आप लोगों का कोई स्टेक नहीं है उन राज्यों में, मैं ये कह रहा हूं, वो लोकसभा में भी नहीं होगा। नहीं, लोकसभा में होगा कि नहीं ये कहना जल्दीबाजी होगा। आप जब बैठक करेंगे और जब 1-1 में डिसाइड होगा तो कहां पे कौन लड़ेगा, मजबूती तरीके से कैसे हम जीत सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और एक और बात, देखिए, भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, यहाँ पे भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, भाजपा किसके साथ, किसके सहयोग से लड़ती है, पूरे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कुछ मीडिया बंधु हैं जो कि पूरी तरह से दिन रात एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। तीसरा चीज, आज भी आप देखेंगे, हैट्रिक की बात है ना, ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक प्रयास है देश स्तर पे, जबकि सच्चाई ये है कि इन चारों स्टेट में अगर पूरे वोट को देखा जाए तो 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा आई है। अच्छा, इसका भी जवाब इनसे लेते हैं, आप ये बार बार कहा जा रहा है 9 लाख वोट, पहले इंडिया इलेक्शन कमीशन का डेटा नहीं, ठीक है, वो आपने चारों राज्यों का जोड़ दिया तो वो सही है, फैक्ट, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये ऐसी गिनती करना वाजिब है जब आप चुनावों की बात करते हैं? आरती जी, पहले इंडिया गठबंधन की बात, अब खुलकर ये कहना शुरू हुआ कुछ लोगों की तरफ से कि फेस देना पड़ेगा आपको नरेंद्र मोदी के सामने। पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है इंडिया गठबंधन में, कोई क्या ऐसा चेहरा आपको भी नजर आता है जो फेस बन सकता है एक यूनाइटेड अपोजिशन का, और इन चुनावों के नतीजों का क्या सबक है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, पहले तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा इंडिया अलायंस में क्या है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है कि नहीं है, क्योंकि आप देखिए, वो शरद पवार जी हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, वो पैन इंडिया फेसेस नहीं माने जाते हैं, वो नहीं देखे जाते हैं। पूरे देश में अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव वो अलग बात है, कांग्रेस में, हाँ, कांग्रेस की छवि जो है वे एक नेशनल पार्टी की है। राहुल गांधी जी को लोग पसंद करें, मजाक उड़ाए, कुछ भी हो, लेकिन वो एक नेशनल चेहरा माने जाते हैं। तो इंडिया अलायंस के जो ये रीजनल पार्टीज़ है और रीजनल लीडर्स है, अगर उनके ये कहीं एम्बिशंस है या एस्पिरेशंस है कि वो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, तो ये गलतफहमी है। अब रही बात राहुल गांधी जी की, वो बेशक वो पैन इंडिया फेस हो या कांग्रेस पार्टी के फेस हो, लेकिन उनका और नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। वो बार बार जनता ने, इस देश ने साबित कर दिया है कि वो राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं करते, और लगातार ये तीसरा चुनाव होने भी वही वाला लोगों के दिमाग में, मोदी वर्सेस राहुल। बिल्कुल, इस बार भी इनफैक्ट जो बेशक ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, लेकिन हर जगह कांग्रेस ने भी कोशिश की और
इनफैक्ट बीजेपी का तो हमेशा ही यही रहा है कि मोदी जी के साथ साथ बेशक रीजनल लीडर्स भी हो, लेकिन मोदी जी एक सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बीजेपी के होते हैं, स्टेट असेंबलीज में होते हैं, इलेक्शंस में होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला है। यूनाइटेड ऑपोजिशन का कोई फेस नहीं हो सकता सिवाय राहुल गांधी के, और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने इस तीसरे कॉन्टेस्ट में ठहरेंगे इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती।